नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ खबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। भारत की 125 अरब जनसंख्या में लगभग 70 करोड़ लोगों के पास फोन है। इनमें से 25 करोड़ लोगों की जेब में स्मार्टफोन है। 15 करोड़ लोग हर महीने फेसबुक आते हैं और 16 करोड़ लोग हर महीने व्हाट्सएप पर रहते हैं। इन आंकड़ों को देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां ऑनलाइन कैंपेन या कहें सोशल मीडिया के इस्तेमाल को तवज्जो क्यों दे रही है। बीते कुछ सालों में चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका कितनी ज़रूरी हो गई है, ये लेंस प्रिंस अपनी किताब द मोदी इफेक्ट्स में बताते हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही समझ चुके थे कि लोगों तक सीधे पहुंचने के लिए सोशल मीडिया बेहद ज़रूरी है। उनके लिए ये केवल जुनून नहीं बल्कि उनकी ज़रूरत बन गया था और साल 2014 में उनकी जीत के पीछे इसकी अहम भूमिका थी। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया उसे देखकर फाइनेंशियल टाइम्स ने तो मोदी को भारत का पहला सोशल मीडिया प्रधानमंत्री कह डाला। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए राजनीतिक दल लोगों तक पहुंचने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, खासकर मतदान से एन पहले लोगों के मन की बात पहुँचने के लिए यह एक बड़ा और प्रभावी माध्यम के तौर पर उभरा है। इतना ही नहीं, कभी कभी इसका इस्तेमाल अपने खिलाफ बोलने वालों को शांत करने के लिए भी किया जाता है। अपनी किताब आई एम अ ट्रोल में स्वाति चतुर्वेदी भाजपा के सोशल मीडिया कंट्रोल रूम के बारे में बताती हैं कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को ट्रोल करने, फिल्म दिलवाले के बहिष्कार की अपील करने और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ट्विटर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। वो बताती हैं कि पार्टियों के पास हज़ारों ऐसे ट्वीट अकाउंट है जिसका इस्तेमाल वो ज़रूरत पड़ने पर करते हैं। ये आसान भी है क्योंकि गलत नाम और परिचय के साथ ट्विटर अकाउंट बनाया जा सकता है और आपके खिलाफ कौन बोल रहा है आपको पता भी नहीं चलता। लेंस प्रिंस के अनुसार कभी कभी किसी बड़े मुद्दे को छोटा बनाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी तो मीडिया लग रहे आरोपों के उत्तर भी ट्रोलिंग के जरिए दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा इसका असर जैसा सोचा गया है वैसा ही रहा। एक नेता के समर्थकों ने दूसरे को पप्पू और जोकर का नाम दिया तो जवाब में दूसरे के समर्थकों ने पहले नेता को फेंकू और जुमलेबाज कहा। एक ने कहा कि नेता छुट्टी मना रहे हैं तो दूसरे ने पलट कर कहा कि नेता विदेश यात्राओं में व्यस्त है। कई बार तो इसके जरिए अफवाहों को भी हवा दी गई है। बीते साल मिंत्रा के द्रौपदी के चिरहरण से संबंधित एक ग्राफिक्स को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। इसके लिए मिंत्रा को ट्रोल किया गया था लेकिन ये ग्राफिक्स असल में स्क्रोल ट्रोल नाम की एक वेबसाइट ने कुछ महीने पहले बनाया था। मिंत्रा और स्कोर रोल की सफाई देने के बाद सोशल मीडिया पर ही सच सामने आ गया था। राजनेता भी अफवाहों के प्रचार में सोशल मीडिया की भूमिका से इनकार नहीं करते, हालांकि वो मानते हैं कि ये अपने आप में दो धारी तलवार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय बहादुर पाठक कहते हैं कि घटनाओं से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। आम आदमी सवाल करता है तो दलों को उसका जवाब भी देना पड़ेगा। राजनीतिक दलों की ये जवाबदेही बनती है और सावधानी से चलना तो पड़ेगा ही। इस मामले में उनके राजनीतिक विरोधी कांग्रेस के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र महादान के अनुसार बीते सालों के मुकाबले चुनावों में प्रचार के माध्यम बदले हैं। वो कहते हैं प्रचार के नए माध्यम कारगर भी हैं लेकिन कभी कभी इनमें धोखा भी मिलता है। कुछ लोग बिना सोचे समझे चीज़ें डाल देते हैं, गलत चीज़ लिख देते हैं लेकिन इनकी संख्या कम होती है। इसका एक रूप 2016 में देखने को मिला। 2015 में जब मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने अचानक पाकिस्तान पहुँचे थे तो इसके लिए लोगों ने उनकी सराहना की थी। लेकिन जब साल 2016 में उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के बाद जब मोदी ने ट्वीट पर नवाज शरीफ के जन्मदिन की बधाई दी तो लोगों का गुस्सा फूट गया। कई बार कुछ मुद्दों पर मोदी की चुप्पी भी लोगों को खलने लगी और लोगों ने सवाल किया कि आखिर मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। चुनावों पर नज़र रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के संस्थापक जगदीप झोकर कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि वो सोशल मीडिया के जरिए वो अधिक लोगों तक कम खर्च में पहुंच सकती है। पार्टियां समझती हैं कि प्रिंट या टीवी मीडिया के मुकाबले सोशल मीडिया पर निगरानी रख पाना थोड़ा मुश्किल है और इससे वो चुनाव आयोग की स्क्रूटिनी से भी थोड़ा बच सकते हैं। उनका मानना है कि ये भ्रम है कि इससे बड़ी जनसंख्या तक पहुँच सकता है क्योंकि ये सिर्फ उन तक सीमित है जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। कई इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, तो कई फ़ोन नहीं है, कहीं कहीं तो इंटरनेट ही नहीं है। भारत के 50% इलाकों में इंटरनेट पहुंचने में भी देरी है।
हालांकि वो मानते हैं कि ऐसा कोई वर्ग जरूरी है जहां एक इंटरनेट पार्टियां दोनों की ही पहुंच हो। वो कहते हैं कि इसके जरिए प्रचार कम और दुष्प्रचार अधिक दिखता है। पार्टियां संप्रदाय जाति की बात वोट लेने की कोशिश अधिक करती है, लेकिन अपनी उपलब्धियों पर उनका कम ध्यान होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आम जनता तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया एक असरदार जरिए के रूप में उभरा है और राजनीतिक पार्टियाँ भी इसका भरपूर लाभ उठा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे केवल फायदा ही पहुंचेगा, कई बार इससे पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।